हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल का नाम पूनम्स किचन से निकालकर द परफेक्ट टेबल लगाया है। आशा करती हूँ आप सभी को ये नया नाम बहुत पसंद आएगा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन की एक ऐसी सब्जी जिसे खाने के बाद आप रेस्टोरेंट की सब्जियाँ खाना भूल जाएंगे। तो चलिए इस टेम्पटिंग से सब्जी को बनाते हैं एक नए अंदाज में। इस सब्जी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1/4 कप बेसन। यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप लिया है, आप चाहो तो कोई भी कटोरी से इसे नाप सकते हो। पर मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो आप सादी मेथी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ले लिया एक आधा टमाटर जैसे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया। यहाँ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक, साथ ही में हम डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी, जो कि मैंने बेसन नापने के लिए जो मेजरिंग कप लिया था उसी कप से हम 1/4 कप पानी डालेंगे। आप कोई भी एक कटोरी का मेजरमेंट ले लीजिए, जितना बेसन उतना पानी आपको इसमें डालना है। अब हम इसे फेंट कर इसे लम्स फ्री एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये बेसन का बैटर तो बनकर तैयार है, तो इसे अब हम लगा देंगे साइड में और ले लेते हैं एक पैन को। तो यहाँ पर गैस के ऊपर पैन गर्म रखकर इसके अंदर मैंने देसी घी डाला है 1 टीस्पून। आप चाहो तो यहाँ पर इसे ऑयल में भी बना सकते हो। घी को अच्छे से पैन के अंदर स्प्रेड कर जो बैटर हमने बनाया था उसे इसके अंदर पोर कर देंगे। हम यहाँ पर कोई चीला नहीं बना रहे, तो आप इसे देखकर कंफ्यूज मत होइए, हम इससे सब्जी बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इसे मैंने थोड़ा स्प्रेड कर लिया और लीड लगाकर रख दिया 5 मिनट के लिए। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे और अच्छे से इसे प्रेस करते हुए इसका कुछुम्बर बनाना है हमें। जी हाँ, हमें इसे अच्छे से मैश करना है ताकि इसके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाए। इस छीले का मॉइस्चर निकल कर ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनकर तैयार ना हो जाए तब तक हमें इसी तरह इसे कंटिन्यू स्टर करते रहना है और अच्छे से स्पैचुला से प्रेस भी करते रहना है। इस छीले को हमें इस तरह से स्पैचुला से तोड़ते हुए स्टर करना है ताकि इसके छोटे पार्टिकल्स बनकर तैयार हो जाए। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे ताकि ये बिल्कुल भी जले ना और बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल एक खुला खुला हो चुका है, बहुत ही अच्छे से रोस्ट होने लगा है। तो चलिए बेसन भुर्जी के लिए बेसन तो तैयार है, आप फटाफट से सब्जी की तैयारी करते हैं। तो इसे हम रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेट के अंदर इस तरह से रख दिया है। अब हम उसी पैन के अंदर ले लेते हैं ऑयल। तो यहाँ पर मैं लगभग 3 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गर्म होते इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा। यहाँ पर जीरा डालने के बाद हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर ले लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को कंटिन्यू स्टर करेंगे हल्के से गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे और साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है, आप इसकी जगह पर गार्लिक को क्रश कर भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यू स्टर करेंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। ऑनियन का बहुत ही अच्छे से कलर चेंज होने लगा है, बिल्कुल गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डालती हूँ टमाटर। यहाँ ले रही हूँ मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट कर। अब हम इसे भी कंटिन्यू स्टर कर लेंगे। जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते तब तक हमें इसे इसी तरह कुक करना है। जब भी हम टमाटर का इस्तेमाल करते हैं तो साथ ही में हमें इसके अंदर नमक डालना होता है। नमक डालने से टमाटर बहुत ही जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। याद रखिए पहले भी हमने बेसन के अंदर नमक डाला था तो आपको संभल कर ही नमक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से टमाटर गलने लगे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट है टमाटर हो चुके हैं और ऑयल भी रिलीज होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर और साथ ही में हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। तो अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से एक बार रोस्ट कर लेंगे। मसाले अच्छे से भूनने से सब्जी में फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ देखिए 2 से 3 बार अच्छे से स्टर कर हम मसालों को अच्छे से भून लेते हैं जब तक इसमें से अच्छे से मसालों की खुशबू ना आ जाए और साथ ही में इसके अंदर ऑयल रिलीज ना हो। तो यहाँ पर अच्छे से 2 से 3 मिनट में ही ऑयल रिलीज होने लगा है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे कर्ड। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश कर्ड को फेट कर लिया है। जैसे ही हम कर्ड डालते हैं हमें कंटिन्यू इसे स्टर करना होता है, नहीं तो दही बहुत ही जल्दी फटने लगता है। याद रखिए जब भी आप दही का इस्तेमाल सब्जी में करते हो तो वो बिल्कुल भी खट्टा ना होना चाहिए। इतने मेजरमेंट से आप 6 मेंबर्स के लिए सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1/4 कप दही का इस्तेमाल किया है। सब्जी के अंदर दही डालने के बाद कंटिन्यू हमें इसे स्टर करना है जब तक एक बॉइल ना आ जाए। तो यहाँ देखिए एक बॉइल आ चुकी है, अब दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने
बेसन बनाकर रखा था और इसे हम एक से दो बार अच्छे से स्टर कर लेंगे। जैसे ही हम प्याज और टमाटर के अंदर बेसन को डालते हैं तो ये सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और हल्का सा ड्राई होने लगता है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा पानी ताकि ऐसे कुक होने के लिए समय मिले। तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ 1/4 कप पानी। जितना हमने बेसन लिया था, जितना हमने कर्ड लिया था, उतना ही हमें पानी लेना है। तो पानी डालकर हम एक से दो बार फिर से स्टर करेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे कुक होने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर लीड लगा देती हूँ और इसे 5 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट में बहुत ही अच्छे से सब्जी के ऊपर ऑयल रिलीज होने लगा है और बहुत ही परफेक्टली हमारी सब्जी बन चुकी है। तो और भी ज्यादा इसे टेम्पटिंग बनाने के लिए मैं इसके अंदर डाल देती हूँ यहाँ पर ग्रेट किया हुआ पनीर। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पनीर ले लिया है ग्रेट कर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे बगैर पनीर के भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च को बीच में से स्लाइड कर डाल दिया और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दिया है हरा धनिया बारीक काट कर। और अब हम इसे 1 से 2 बार स्टर कर लेंगे और ये लीजिए हमारी बेसन भुर्जी बनकर तैयार है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये सब्जी हमारी बन चुकी है। बहुत ही कम समय में और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसे बनाकर तैयार किया है। तो चलिए फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे फटाफट से सर्व करने के लिए ले लेते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी बेसन भुर्जी की रेसिपी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।